हम सभी इंदौरवासी होने के नाते बड़े गर्व गौरव के साथ कहते हैं हम इंदौरी हैं और स्वच्छता में किए जा रहे नवाचारों की स्वागत कीजिएगा, क्योंकि इनमें उन कलाकारों की जीवंतता और नरम संयोजन उनकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित होती है जिन्होंने धर्म के साथ इन झांकियों को तैयार किया है। देश की छह नगरों में आधुनिक तकनीकी आधार पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया था। यह गौरव इस टेक्नोलॉजी को पूरे राज्य में विस्तारित किया जा सकेगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन भी इस झांकी के माध्यम से किया जा रहा है और इस झांकी का
जो थीम है, इस थीम जो है माननीय शर्मा जी द्वारा तैयार की गई है, हमारा गणतंत्र अमर रहे, इसके ठीक पीछे आ रही है इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी। स्पोर्ट्स एरेना फिर लिहाना ब्रिज, इस थीम पर इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी हमारे अतिथि के समक्ष अग्रसर हो रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्वी रिंग रोड पर पिपलिहाना चौराहे पर 45 करोड़ की लागत से अटल सेतु का निर्माण किया गया है। फ्लाई ओवर के नीचे हिस्से में 4 स्थानों पर खेलकूद गतिविधियां की जा रही है। संचालित खेलकूद गतिविधियों को प्रदर्शित प्रदर्शित किया गया है। यह अभिनव प्रयोग करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का अभिनव प्रयोग किया कि बसें संचालित किया जा सकता है। इसके ठीक पीछे आ रही है कृषि विभाग की झांकी। किसानों की आय दोगुना करने के आयात की टीम पर यह झांकी घोषणा किया गया है। कृषि विभाग की झांकी आपके समक्ष आ रही है और हमारे निरीक्षक थाना प्रभारी गोविंद इंदौर मंच पर कमलेश शर्मा जी हमारे साथ मंच पर है। इसके बाद साथ आमंत्रित है श्री इंद्रमणि पटेल जी, निरीक्षक थाना प्रभारी इंदौर, उप निरीक्षक अश्रु अली अंसारी जी थाना रसूलिया, वन्य प्राणियों का रख रखाव एवं पर्यटन सुविधाओं का प्रचार करता है।
राजस्व का आगामी प्रतिनिधि हुआ कंकड़ी मंडा।